अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको पंचतन पाक दे सदके हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज की रेसिपी हम लेके आए हैं अरबी फ्राई अरबी की, फ्राई अरबी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम घी डालते हैं। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो चलें घी गरम हो गया है, अब हम अरबी डालते हैं। अरबी को ना हमने आटे से धोया है माल माल के। इसे नमक कभी भी ना लगा के रखना, नमक से ना ये कौड़ा हो जाता है वे सालन। तो इसे अच्छी तरह हम ब्राउन का फ्राई करेंगे। घी हमारा काम था तो हमने ना ऑयल फिर डाल दिया है थोड़ा सा। तो आप इसे दूसरा तकरीबन 15-20 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से ना गल जाए, अच्छी तरह पक जाए। तो हम फिर इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम प्याज़ फ्राई करेंगे और साथ साथ ही हम आपको बताएंगे। तो चलें जी अरबी हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। तो चलें अब हम प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाह, चले हम इसे 5 मिनट हम इसे ब्राउन कर लेंगे, तब तक अजाने हो जाए। तो चले मिलते हैं दोबारा। चलें जी लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गया है, अब हम ये टमाटर डालते हैं। चलें जी अब ये सारे मसाले जाएंगे। ये थोड़ा सा जीरा है और थोड़ा एक आधी चम्मच दड़ा मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी है, आधी चम्मच ही काली मिर्च है और थोड़ी सी पीसी हुई मिर्च है, और ये खुशक धनिया कूटा हुआ, और ये आधा चम्मच ही हमने नमक ऐड करना है। तो चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे इतना, ताकि ये ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये मसाले वगैरह अच्छी तरह मेट हो जाए। उसके बाद हमने ये 3 मिर्चें हैं हरी, हमने ये साबत ही डालनी है ये डंडियों के साथ ही। तो चलें और अब हम ये अरबी फ्राई की हुई है हम ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह इसे भी हम भून लेंगे और थोड़ा सा हम पानी बाद में लगाएंगे, आपको वो भी बताते हैं साथ ही। चलें अब थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि अगर कोई कसर है थोड़ी सी कच्चा पान की तो वो भी निकल जाएगी। और अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, ढक्कन हम उतारते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और थोड़ी सी हम धनिया डालेंगे, चलें जी अरबी हमारी फ्राई होगी, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चलें जी हमारी अरबी फ्राई हो गई है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। चले मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।